जैसे ही काफी सारे विलेजर्स ने एक विच को पकड़ लिया था अपनी गुफा के अंदर और उसके ऊपर अत्याचार करने की कोशिश करी, वैसे ही वो विच बाहर आकर प्रकट हो गई और वो विच उन पर पोशन फेंकने के लिए आ गई थी। लेकिन वहां पर दो विच कैसे आई ये जानने के लिए पूरी वीडियो एंड तक देखना। विच एक्सपेरिमेंट कर ही रही होती है तभी उसका एक्सपेरिमेंट वहां पर फेल हो जाता है और जिसके बाद हम देखते हैं एक बच्चे को जो कि बड़ी ही शांति से एक एग निकालता है चिकन्स का एंड अपने डैड को देने के बाद वो डायरेक्ट खेलने चले जाता है और जिसके बाद उसके डैड उसके एग को ले लेते हैं। लेकिन वो बच्चा जब ही गिरता था वहाँ पर उसके सारे दोस्त उसे चिढ़ाते थे और उसे मार भी डालते थे और जिसके बाद वो मार खाने के बाद एक दिन देखता है एक ऐसी शॉप को जहाँ पर एक ऐसा क्योर मिल रहा था जिसे पीने के बाद वो बॉडी बिल्डर बन जाता और जैसे ही उसने उसको पिया वैसे ही वो विलेजर फरार हो गया और वो बन गया एक विच में। और जिसके बाद वो विच बनने के बाद अपने फ्रेंड्स के पास जैसे ही गया, जैसे ही उसके फ्रेंड्स ने देखा कि वो बन चुका है एक विच तो उसके फ्रेंड्स ने उसे और भी मारा और वो वहां से बेचारा चला गया। और जिसके बाद वो जाते जाते अपने डैड के पास जब गया तब उसके डैड भी नहीं पहचाने और उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। लेकिन वो पूरी बात बताता है उसने एक ऐसा पोशन पिया था जिसे पीने के बाद वो बन चुका है अब एक विच और उसे अब विलेज में कोई भी पसंद नहीं कर रहा। जिसके बाद उसके डैड चले जाते हैं बाहर और वो वहाँ पर सोता है तब उसे एक बेचैनी होने लगती है और वो अपने डैड को ढूंढने लगता है। और जब वो अपने डैड को ढूंढने के लिए बाहर जाता है वैसे ही वहाँ पर पाता है एक डॉग आ चुका है और अब वो डॉग उसे मारने वाला है और अब वो डॉग उसकी जान तो ले लेगा। लेकिन वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और जिसके बाद ये प्यारा बच्चा अपने डैड के साथ जाने लगता है और ये बच्चा अपने डैड के साथ सो जाता है। अभी ये देखता है इसके घर के बाहर दो लोग खेल रहे हैं लेकिन ये उनके साथ नहीं खेल सकता। तभी उसके डैड उसे एक पम्पकिन पहनाते हैं जिससे कि इसके फ्रेंड्स ना पहचाने कि वो है एक अबेंडेंड एक टॉर्मेंट माइनक्राफ्ट विच। और जिसके बाद वो अपना भेस बदल लेता है और उसके फ्रेंड उसके साथ वापस से खेलने लगते हैं फुटबॉल और जैसे ही वो गिर जाता है वैसे ही उसके फ्रेंड्स उसे उठाते हैं। और जैसे ही वहाँ पर उन दोनों बच्चों के डैड आते हैं वो अपने डैड के साथ तो चले जाते हैं लेकिन ये अकेला हो जाता है और अपनी फुटबॉल लेकर ये वापस से जाने लगता है उन्हें खोजने के लिए। और जिसके बाद ये अपने डैड से परमिशन मांगता है तभी वहाँ पर एक ऐसी आग लग जाती है जो कि बुझने का नाम ही नहीं लेती और मानो ऐसा लग रहा था कि ये आग इसी ने लगाई हो। और जिसके बाद वहाँ पर उस घर का ओनर आ जाता है। वहाँ पर क्लैरिक नाम के विलेजर को काफ़ी ज़ोरों से टॉयलेट लगी थी और वो जब टॉयलेट करके वापस आता है तो वो वहाँ पर भूल जाता है उसी टॉर्च को। और जिसके बाद उसे आइडिया आता है कि वो कैसे बचे। वो जाता है उस घर के ओनर को ये बताता है कि उसने देखा है इसी बच्चे को। ये बच्चा खेलते खेलते इस घर में टॉर्च लगा जाता है और ये घर अचानक से जलना चालू हो जाता है। और जिसके बाद इस बच्चे को घर का ओनर आता है और उठा लेता है और जिसके बाद दूर जब फेंकता है तब उसका मास्क उतर जाता है और सारे सबके सामने वहाँ पर उसकी सच्चाई आ जाती है। और जैसे ही सबको उसकी सच्चाई मालूम पड़ती है वैसे ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो अपने घर में आकर कोने में जाकर बैठ जाता है। और जिसके बाद जब उसके डैड पूछते हैं तुम्हारा पम्पकिन कहाँ गया है विच गो बैक टू विलेज। और जैसे इस नारे को उसके डैड सुनते हैं वैसे उन्हें गुस्सा आ जाता है और जिसके बाद वो गेट को बंद कर लेते हैं और वो सारे के सारे विलेजर्स से चले जाते हैं। और जिसके बाद उसके डैड बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो दोनों के दोनों। और जैसे ही उसके डैड सो रहे थे वैसे ही वो घर छोड़ता है और घर छोड़ने के फैसले की वजह से वो वहां से चला जाता है और वो अकेले किसी कोने में जाकर बैठ जाता है और उस झाड़ में सोने लगता है। लेकिन जब वो उस झाड़ में सो रहा था वैसे ही वहां पर विच आ जाते हैं और स्लाइम भी आ जाते हैं। और जिसके बाद वो दूसरी जगह जाता है वहां पर वो एक बच्चे को बचाता है लेकिन वो बच्चा उसे पकड़कर एक जेल में डाल देता है। और जिसके बाद वो उस जेल में बंद हो जाता है और वो बच्चा वहां से भाग जाता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा अपने डैड की जाता है लेने और वो विलेजर का बच्चा स्टीलिंग द की कर देता है मतलब वो की को चुरा लेता है और वो सक्सेसफुल हो जाता है। और जिसके बाद वो जाता है उसी विच के पास और उस विच के गले लगता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है इस विच की कोई गलती नहीं है और इस विच ने इसकी जान ही बचाई थी। और जिसके बाद वहाँ के सारे विलेजर
और जिसके बाद विलेज के सारे लोग देखते हैं कि वहाँ से वो बच्चा नहीं है, और सारे लोग देखने के बाद इतना ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि वो चोर बच्चा वहाँ से गायब है। लेकिन वो बच्चा चोर नहीं था, और उस विलेजर को भी समझ में आ जाता है ये चोरी करने की चाल थी उसके बेटे की, और उसके बेटे का ही ये काम है जिसने उस विलेजर के बच्चे को चुरा लिया है और उसे कहीं दूसरी जगह भेज दिया है। और जिसके बाद वो दोनों के दोनों, विच और विलेजर का छोटा बच्चा, काफ़ी दूर से भागने के बाद आ जाते हैं, और भागते भागते उन्हें एक एप्पल मिलता है, क्योंकि वो इतनी ज़ोर से भाग रहे थे कि उन्हें काफ़ी भूख लगती है। जिसके बाद विच और विलेजर के बच्चे को ऊपर दिखता है काफ़ी सारे एप्पल हैं, और जिसके बाद वो विच जब एप्पल लेने के लिए एक स्टिक ढूंढने लगता है, तभी उसे वहाँ पर एक जॉम्बी फाइट पिगलिन आ जाता है और वो उसे परेशान करने के लिए भागने लगता है। लेकिन वो जैसे ही पाता है कि वो जॉम्बी फाइट पिगलिन उसके पीछे पड़ चुका है, वैसे ही वो दोनों के दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक बड़ी सी विच आ जाती है और उन दोनों की जान बचा लेती है, और वो विच उन दोनों को ले जाने लगती है अपने घर की तरफ, और जिसके बाद वो दोनों के दोनों उस विच का पीछा करने लगते हैं, और जिसके बाद वो विच बताती है कि मैं बना सकती हूँ एक ऐसा पोशन जिससे कि ये छोटा विलेजर पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। वो दोनों के दोनों विच के घर में आ गए थे, और जिसके बाद विच उन्हें अपने घर में इनवाइट करती है, और जैसे ही वो उनके घर में पहुँचते हैं वहाँ पर एक चूहा उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो उनसे बच जाते हैं, और वहाँ पर एक कैट थी जो कि उनके पास आ जाती है, और जिसके बाद वो दोनों उसके विच के घर में जाते हैं और एक्सप्लोर करना चालू कर देते हैं। लेकिन जो विलेजर का बच्चा था उसे एक प्लांट बहुत पसंद आया था, और वो उसे खाना चालू कर देता है, लेकिन विच उनकी पूरी खातिरदारी करती है और वो लोग फिश खाने लगते हैं, और जिसके बाद वहाँ पर विच की एक कैट भी थी जो कि सेम वॉज विच की ही तरह थी, और जिसके बाद रात होने की वजह से विच उन दोनों बच्चों को सुला देती है, और जिसके बाद विच दूसरे दिन उनके लिए एक ऐसा पोशन बनाने वाली थी जिससे कि वो बच्चा वापस से ठीक हो जाता, और जिसके बाद विच को नींद नहीं आ रही थी उन दोनों को। जिसके बाद पूरी रात की कड़ी मेहनत के बाद वहाँ पर बिल्ली जाग जाती है, और बिल्ली उठाती है उसी बच्चे को, और जिसके बाद विच और इस छोटे विच का फाइनली इन्वेंशन पूरा हो जाता है, और विच इसे एक ऐसा पोशन बना के दी थी जिससे कि इसके सामने कोई भी मुश्किलें आ जाए ये छोटा विच उस मुसीबतों को फेस कर जाएगा, और जिसके बाद वो उस विलेज में नहीं जाता शुरू में, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनके विलेज में एक एंडर, जैसे ही विच को पता चलता है कि पूरे विलेज में आग लग चुकी है, वो अपने पोशन को फेंकता है, और जैसे ही पोशन को फेंकता है वहाँ से एक कड़ा बादल निकलता है और वहाँ की पूरे विलेज की आग बुझा देता है, और जिसके बाद विच का दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन सही टाइम पे आयरन गोलेम आ जाता है और अपने आयरन में सारी हीट ऑब्जर्व कर लेता है, और जिसके बाद ये विच उस रेड ड्रैगन को एक ऐसा पोशन देता है जिससे कि वो फैंटम बन जाता है, और वो फैंटम बनने के बाद आयरन गोलेम के हाथों आ जाता है, और जिसके बाद आयरन गोलेम उसे ज़ोरों से फेंकता है, और सारे के सारे विलेज के लोग उस विच को जान से मारने के लिए आ जाते हैं। लेकिन विलेज के लोगों ने बताया कि वो रेड ड्रैगन उसके डैड को मार डाला है, और जिसके बाद वो अपने डैड के पास जाने लगता है, और जैसे ही वो अपने डैड के पास पहुंचता है वैसे ही वहाँ से वो लकड़ियाँ हटाता है, और वैसे ही वो अपने डैड को मैजिकल पोशन देता है और रोता है। वैसे ही उसके डैड जाग जाते हैं, और वो लोग पहले की तरह नहीं जी सकते थे क्योंकि उनका घर जल जाता है, और वो लोग काफ़ी मेहनत से एक नया घर बनाते हैं और इन्जॉय